अपने बेटों की लाशें ढोएं। बताएं मुझे अयोध्या के आज जो कुछ हुआ है, आ गया है हमारा बेटा, लेकिन सरहद पार फिर हरकत करोगे तो वहीं घुस के मारेंगे जहां पर हो। वहां देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें ढोएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। दो लोग यहां बैठे हैं जो दिल्ली तक जाते हैं संसद में, आपकी बात पहुंचाएंगे। अपनी तालियां ऐसे देना कि दोनों सांसदों के अपनी बात वहां कह सकें कि देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें ढोएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात ये दिल्ली वाले आखिर किस दिन समझेंगे, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारे। कितना सुना रहा हूं मैं, देसी आदमी हूं, अध्यापक के घर पैदा हुआ हूं, छोटे कस्बे में यहां तो फिर भी बड़ा जिला है। जो मास्टरों के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि जब मार्च में अप्रैल में स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। हम उसी प्रयोगशाला में काम आए। अच्छा, हम जिस कस्बे में पैदा हुए गाँव में, वहां जरूरी नहीं था कि हमारे पिताजी हमें कूटे, उनके जितने दोस्त थे सब हाथ साफ करते थे। हमारे यहाँ ऐसा चलन था कि कोई बाप अपने बच्चे को नहीं पीटे तो मोहल्ले वाले शक करते थे कि गोद तो नहीं लिया है। हमारे पिताजी ने हमें इसलिए नहीं पीटा कि हमसे प्रेम करते थे, हमें इसलिए कूटा कि उनके बाप ने उन्हें कूटा था। तो वो बताना चाहते थे कि अब वो बाप हो गए। हमारी पढ़ाई भी बड़ी गजब हुई, तीसरी क्लास में हिंदी पढ़ाई गई हमें। इतना कठिन हिंदी पढ़ा देते हैं कि आदमी डर जाता है। मैंने तो युवकों के लिए हिंदी को सरल करा, शब्दों का प्रयोग पढ़ाया गुरुजी ने तीसरी क्लास में। राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैंने कहा ये कौन सा चिकन गुनिया है, बीमार ये हुआ मर ये गया। फिर तीन दिन तक उदास रहा। गुरुजी बोले क्या हो गया? मैंने गुरुजी वो राम स्वरूप जी बीमार हुए तो फल स्वरूप जी क्यों मरे? बोले मूर्ख, फल स्वरूप जो है वो संज्ञा नहीं है, आप समझो वो क्रिया है। मैंने कहा मतलब? बोले ये अर्थ है, भाव है। मैंने कहा कैसे? बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। इसका मतलब ये, राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले तीसरा मर गया और तीन मर गए, ताली नहीं बजी अभी तक। उसके बाद आ गई ट्रिग्नोमेट्री नाइन्थ में, उसने रकम पी ली भाई। एक्स बराबर मान लो, बाप की माननी है तेरी माननी है। अंक गणित उसका भी बाप, 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? अब जब खेत एक बार जोत लिया तो ताली क्यों नहीं मिलाते हो, खेत जोत गया आपको। ऐसे तो हम पढ़े। और उत्तर प्रदेश के लोग, मैं तो एक बार लखनऊ आया, फॉग के दिनों में प्रोग्राम था, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान क्या है वो, उसमें था तो फॉग था, तो आयोजक बोला जी हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, आप ट्रेन से आ जाना। तो मैं शताब्दी से आया था एग्जीक्यूटिव क्लास में, मुझे लगा कोई ज्ञानचंद ना मिल जाए। भारत में तीन जाति बहुत मिलती है, ज्ञानचंद, दूसरे हुकुमचंद और तीसरे रायचंद। एक जाति कम मिलती है उसे कहते हैं कर्मचंद, जो करके दिखा दे। आज ये कार्यक्रम हुआ है कर्मचंद की वजह से, उसने करके दिखाया, बाबा ने करके दिखाया। मुझे लगा कोई आ नहीं जाए, पड़ोस में अमेरिकन आके बैठा। मैंने कहा ये ठीक है, ये पहचानेगा नहीं वो भाई, वो तो अपना मोबाइल पे गूगल खोल के कभी मुझे देखे, कभी मोबाइल देखे, कभी मुझे देखे, फिर मोबाइल देखे। 5-10 मिनट बाद बोला आप कुमार विश्वास हैं? अरे मैंने कहा बात वहां तक पहुंच गई? बोले नहीं नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में PhD करने आया हूँ, टेक्सस में रहता हूँ और हिंदी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपकी कविताएं सुनता हूँ, आपकी कविताएं पढ़ता हूँ। मैंने कहा बड़ा आभार आपका, बड़ी कृपा, आप आए, आप अमेरिकी हैं, आपका कोई अतिथि सत्कार में कमी रह गई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। बोले जी भारत में बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारे अमेरिका में 50 राज्य हैं, सब लोग एक जैसे लगते हैं, भारत में बड़ा अलग अलग है, 29 राज्य हैं, वो 30वां और हो गया है तेल लगाना। उनका तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। बोला हाँ हाँ वही तेलंगाना, हालांकि सोनिया जी ने बनाया इसीलिए था। और वो ठीक से लग नहीं पाया था। तो मैंने कहा हाँ 30 है बताइए। बोले सब अलग अलग,
मैंने कहा भारत में भी सब नागरिक एक हैं, बस तीन प्रदेश थोड़े अलग हैं, एक हरियाणा, एक पंजाब, एक यूपी। बोले ये भारत नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, ये महाभारत। बोला हाउ आई विल रिकॉग्नाइज, मैं कैसे पहचानूंगा? मैंने कहा लखनऊ चल रहा है, 8 घंटे का यात्रा है, तेरा प्रशिक्षण शिविर करा कर उतरूंगा, तू देख के पहचान जाया करेगा, और तेरा बालक पहचानेगा, पैदा होएगा तो नर्स देख के पहचानेगा कि लुधियाने की है कि लखनऊ की है। थोड़ी देर बाद अलीगढ़ से एक चौधरी साहब चढ़े, मुंडा सा बांध के, बड़ी बड़ी मूछे, हाथ में लट छोटा सा। मैंने कहा ये हरियाणा है, हरियाणा। बोले इनसे किस विषय में बातचीत करूं? मैंने कहा विषय की आवश्यकता नहीं, हरकत कर, ये तुझसे बात करे।